वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर भारत में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन चुनावी माहौल के बीच सियासी पारा बेहद गर्म है। प्रदेश में हर तरफ चुनाव की चर्चा है। सभी पार्टियों के नेता जनता को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी सभाओं के आयोजन पर रोक है, इसलिए नेताओं ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने का तरीका निकाला है। इसी कड़ी में बीजेपी के बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन के जरिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिकोहाबाद में जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे। इस दौरान एक रोचक नजारा तब देखने को मिला जब मुस्लिम महिलाओं ने आकर उन्हें रोक लिया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मिली इन महिलाओं ने न सिर्फ जेपी नड्डा का स्वागत किया बल्कि उनकी आरती भी उतारी। उन महिलाओं ने उनके हाथ में पूजा की थाली ले रखी थी। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष को तिलक लगाया और साथ ही नारियल का फल भी भेंट किया। स्वागत से खुश नजर आए जेपी नड्डा ने हाथ जोड़कर उन महिलाओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय संसदीय मामलों और संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। जब महिलाएं जेपी नड्डा की आरती उतार रही थीं, तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। आपको बता दें कि 3 तलाक खत्म किए जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं को खासी राहत मिली है। उनके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई तौकीर रजा खान की बहू ने भी राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की थी और कहा था उनके राज्य में मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News, राष्ट्र के नाम।